नमस्कार दोस्तों, हर पेरेंट की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बने, होशियार बने, सर्वगुण संपन्न बने। क्या हम गर्भावस्था से ही उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक फूड कौन सा है, गर्भावस्था में ब्रेन डेवलपमेंट किस प्रकार होती है, इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अमृत गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी आइसबर्ग देखा है? हाँ, बर्फ की बड़ी चट्टान जो समुद्र में होती है, 20% पानी के ऊपर होती है जो दिखती है, और 80% पानी के नीचे होती है जो दिखती नहीं है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी इसी प्रकार होती है। 80% डेवलपमेंट गर्भावस्था के दौरान ही होती है जो इसी आइसबर्ग के जैसे दिखती नहीं है, और जन्म के बाद हमारे पास सिर्फ 20% होते हैं। इसीलिए जन्म के बाद आप बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए चाहे कितने भी एफर्ट्स लो, बच्चे की बुद्धिमत्ता का बेस तो गर्भावस्था में ही तैयार होता है। तो दोस्तों, यही वो समय है, और इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है एपिजेनेटिक्स को। हमारे बच्चे हमसे भी बहुत स्मार्ट है, इस बात से एग्री है आप? यस, नेक्स्ट जनरेशन हमेशा शार्प होती है। जीन्स तो आपके ही होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी आपसे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डीएनए तो आपके ही है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपने अपने बच्चे के लिए जो पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की है, वो डीएनए तक पहुँचती है और उस जीन के एक्सप्रेशन बदलते हैं। आप जाने अनजाने में उस जीन पर संस्कार करते हैं। साइंस की भाषा में इसी को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आप अनजाने में कर रहे थे वो आपको जानकर करना है, पर्पसफुली करना है। पर्पसफुली आपको अपने पॉजिटिव विचार बढ़ाने हैं, विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति आपको अवेयर होना है। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट। ये ब्रेन डेवलपमेंट 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है न्यूरॉन का विकास। ब्रेन की सेल को न्यूरॉन कहा जाता है। मैंने अपने पिछले भी कुछ वीडियो में बताया है कि प्रेगनेंसी के 14वें दिन ही बेबी के ब्रेन के पहला न्यूरॉन बनता है। उसके बाद हर एक मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन तैयार हो जाते हैं। बच्चे के जन्म तक ऐसे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन बन के तैयार होते हैं। दूसरा स्टेप है इन न्यूरॉन का स्पेसिफिक जगह पर जाकर कन्वर्जन होना। ब्रेन के अलग अलग सेंटर होते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब में क्रिएटिव थिंकिंग का सेंटर होता है, टेम्पोरल लोब में जो साइड में होता है वहाँ मेमोरी का सेंटर होता है। इन स्पेसिफिक जगह अगर ज़्यादा न्यूरॉन फॉर्म हुए तो उस जगह के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। और तीसरा स्टेप है न्यूरॉन की कनेक्टिविटी। गर्भावस्था में तैयार होने वाले ये जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक इंटेलिजेंसी तैयार नहीं होती है। जितने न्यूरॉन के कनेक्शन ज़्यादा, उतनी मेमोरी ज़्यादा, उतनी इंटेलिजेंसी ज़्यादा। अब इन न्यूरॉन के कनेक्शन बढ़ाने के लिए और एपिजेनेटिक्स का सही एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है? पहला है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार, जैसे कि अखरोट। इसका आकार बिल्कुल ब्रेन के जैसा होता है, वॉलनट जिसे कहा जाता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त है। बादाम रात को भिगो के सुबह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल से ये भरपूर है, जो ब्रेन के विकास में आवश्यक है। अनार, पोमेग्रेनेट विटामिन सी और पोटेशियम का रिच सोर्स है और मेमोरी भी इम्प्रूव करता है। फ्लैक्स सीड, जवस और चिया सीड, जो सब्जा के नाम से जाना जाता है, ये भी ओमेगा 3 का एक सोर्स है जो इंटेलिजेंसी बढ़ाता है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सी फूड या फिश ले सकते हैं। ओमेगा 3 के साथ ही फिश, एग्स और मीट, इन सब में कोलिन भी होता है, यह भी इंटेलिजेंसी बढ़ाने का काम करता है। अगला है DHA, जिसे डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड कहते हैं।
ये सप्लीमेंट है और टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, आपके डॉक्टर ये ज़रूर आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। DHA फंक्शनल ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो ब्रेन के कॉर्टेक्स में होता है। इससे बच्चे की लर्निंग और ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके साथ ही मदर में भी हाइपरटेंशन और IUGR का रिस्क कम होता है। ये तो सब हुआ फूड के बारे में। इसके अलावा मदर का ऑक्सीजन सेचुरेशन भी अच्छा हो तो भी न्यूरॉन अच्छे से विकसित होते हैं और बच्चे की मेमोरी बढ़ती है। मदर ने स्ट्रेस भी बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस में न्यूरॉन बनना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बेबी प्रोटेक्शन मोड पे आता है और मेमोरी डेवलप नहीं हो पाती। मदर दिन भर जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करती है उससे स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो इंटेलिजेंसी बढ़ाते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनने से भी बच्चे की न्यूरॉन की कनेक्टिविटी बढ़ती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में की जाने वाली बहुत सारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से काम करना है, एक आंख बंद करके पढ़ना, मानस चित्र इमेजिन करना, विजुअलाइजेशन करना, आंखें बंद करके सिर्फ स्पर्श से वस्तु को पहचानना, आंखें बंद करके सिर्फ स्मेल से फूड आइटम को पहचानना, ये सब डिटेल मैंने अपने एक अलग वीडियो में बताया है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और गर्भ संस्कार का पूरा पैकेज हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आपके दोस्तों के साथ आप ये ज़रूर शेयर करें, आपके फैमिली ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटेलिजेंट बेबी। थैंक यू।